नमस्कार, राम राम सभी भाइयों को। गाड़ी है स्कॉर्पियो एम हॉक 2010-2011 में ये जो मॉडल आता था, जिसके अंदर ईसीएम आता था 1639 डबल कपलर। इसको लेकर आजकल बहुत बड़ा एक मिथ चल रहा है, थोड़ी सी आपको वीडियो में शेयर करूंगा और ज़्यादा आपको काम करके दिखाऊंगा। ये गाड़ी में काम हुआ था डेंटिंग पेंटिंग का, गाड़ी थी एक्सीडेंटल पर गाड़ी बिल्कुल सही थी। जब गाड़ी तैयार हुई तो गाड़ी का जब सारा कुछ पेटी किया, पैक किया सभी गाड़ी को, तो इसके अंदर चेक लाइट ब्लिंक होने लगी। जब हमने चेक किया, स्कैनर लगाया, स्कैनर लगाने के बाद स्कैन किया जब गाड़ी को, स्कॉर्पियो इनवैलिड की एरर 1832, ठीक है जी। ठीक है जी, स्टार्ट करके देखा, ईसीएम दिखाई, डबल कपलर घोष 1639, ठीक है जी। अभी क्या होता है कि अपने को पता है कि गाड़ी बिल्कुल रनिंग कंडीशन में आई थी, कभी ना कभी वायरिंग वगैरह का और काम करते हो किसी ना किसी जगह पे ऐसा कुछ एरर बन गया, जिसकी वजह से ये अपने आप को लॉक मोड में इमोबिलाइज कंडीशन में ले चुकी है। भैया ने, बड़े भाई ने सब चेक किया तो गाड़ी में कोई भी वायरिंग का, इमोबिलाइजर, ईसीएम का, किसी चीज़ का कोई फॉल्ट नहीं था, जस्ट ये अपने आप को लॉक कर चुकी थी। अभी आजकल जो मिथ चल रहा है वो ये था कि 1832 आ रहा है तो इसको फ्लैश कर दो, जो रियल फैक्ट नहीं है। हमने क्या करना है, हमने आपको स्कैन करके दिखा दिया, काम करें हम सबसे अपना बेस्ट स्कैनर S6 Pro के साथ, ठीक है जी। चेक लाइट ऑन ब्लिंकिंग, ओरिजिनल चाबी लगी हुई है जो कंपनी की है। तीन स्टेप होंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, जितनी मेरी इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल बोल रहा है वो आपके सामने होगा। इमोबिलाइजर, एग्री, महिंद्रा डॉप सिस्टम इज कनेक्टेड, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपका किया हुआ है, न्यू सॉफ्टवेयर, इमोबिलाइजर ऑटो आइडेंटिफाई, टर्न ऑन, बिल्कुल यही चीज आपने तब करनी है जब आपकी गाड़ी में 1832 आ जाए, गाड़ी लॉक मोड में चले, जो स्टेप मैं कर रहा हूं, ठीक है जी। बिल्कुल सेम थ्योरी के साथ आपने काम करना है, कभी भी आपका 1639 फंसेगा नहीं, किसी की बात पे यकीन नहीं करना कि इसको फ्लैश करना पड़ेगा, इसके अंदर डेटा डालना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, आपके सामने बिल्कुल रनिंग काम मैं करके दिखाऊंगा। सबसे पहले की इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे हैं, की इन्फॉर्मेशन बता रहा है एक चाबी की, ठीक है जी, मतलब कंपनी की एक चाबी चढ़ी हुई है, पर गाड़ी फिर भी इमोबिलाइज है। इमोसिंग में जाएंगे हम, प्रोग्राम वन की, गाड़ी में बिल्कुल सही वोल्टेज आ रही है जो अपना पास थ्रू बता रहा है। यही स्टेप आपने फॉलो करने हैं, जो स्टेप पे मैं काम कर रहा हूं। अगर आप एक्चुअल यूजर हो, सक्सेस हो गया, क्लियर, ट्रबल कोड, इमो एंड ईसीएम, ठीक है जी। ये स्टेप करने के बाद टर्न ऑफ द इग्निशन, रिमूव द की, जब आप ये करोगे तो आपका चेक लाइट बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, ठीक है जी। स्टेबल हो गया, अभी का जो स्टेप है जो सबसे महत्वपूर्ण, बैटरी वायर उतारो भैया, लीजिए बैटरी वायर उतार दी, जस्ट और जस्ट सिर्फ 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के बाद मैं इसको दोबारा कनेक्टेड करूँगा, लगा दो, ठीक है जी। डोर पे लाइट आ गई, मैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, चेक की क्या सिचुएशन है, वो आकर चला गया। अभी हम जाएंगे स्कैन पे, महिंद्रा
डायग्नोस स्कॉर्पियो री ट्रबल कोड इमोबिलाइज कंडीशन इज हील्ड, क्लियर करूंगा ये चला जाएगा, नो प्रेजेंट इमोबिलाइजर नो फोल्ड कोड। ठीक है जी, गाड़ी जस्ट आपको थ्योरी पता होनी चाहिए गाड़ी की, किसी की बातों पे फालतू के ज्ञान देने वाले लोगों पे यकीन नहीं करना, इसको फ्लैश करना पड़ेगा। फ्लैशिंग की एक बहुत क्लियर थ्योरी होती है जब हम काम करते हैं गाड़ी में, से अपने आप को इमोबिलाइज हो जाए गाड़ी में, इमोबिलाइजर खराब हो जाए, ECM भी आपको चेंज करना है एक्स टूल के साथ, सिर्फ इमोसिंग के साथ वो पॉसिबल है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है कुछ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।